गर्मी पड़ रही है, परेशान हो गर्मी तो है। पानी ले आओ, प्यास लग रही है। सब ठीक है? परेशान कर रखा है वहाँ पर? कहाँ परेशानी है, सब कर लेंगे। शांत होता है। मेरा बैग दिए जान। हाँ बढ़िया है सब। क्यों पटक रहा है इस बैग को? मैं नहीं पता। तो मुझे पता तो मैं क्या कर दूंगी? आप मोलट कहा था बढ़िया है। कितनी बार कहा था मैंने, कितनी बार बोला था आपसे कि मत करो शादी, मत करो, और तुमने इनकी शादी वहां कर दी जाके। तो पता नहीं कैसे लोग थे वो? ना पता है, हम बात कर लेंगे, सब कर लेंगे। एक नंबर के पैसे के भुक्कड़ है वो। पैसा है, अरे गाड़ी दे देते, गाड़ी दे देते। सौ बार बोला मुझसे, मुझसे बात ही नहीं गाड़ी तुम्हारी की। से बात नहीं है, क्यों बोल रहे मुझसे? वो हम बात कर लेंगे। तुम क्या बात करोगी बार बार? हम बात कर लेंगे, वो क्या बात कर बात करेंगे? बात हुई थी तुमने तो। पहले जब मैंने मना किया था कि पैसे वाले आदमी जो पैसा मांग रहा है उसके घर में शादी मत करो, मत करो, तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी। नहीं मांगो तब? क्यों नहीं मांगा था? तो तुमने क्यों दिए 10-20 लाख रूपए? जो वो तो दे 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 दिए तो और दो लालची, उन्हें और मुँह फैल गया उनका, और दो उनको पैसा। सबसे पूछ के आया हूँ मैं, ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे इनको। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है। मैं रह रही हूँ उनके साथ में, क्या है रोज दूसरे दिन का उनका काम है। पैसे के लिए बोलो, पैसे के लिए नहीं बोलती, उन पे पैसा है दो। हम बात कर लेंगे, बात कुछ नहीं होती मम्मी। अब बात बस इतनी रह गई है, मुझे अपनी जिंदगी उनके साथ जैसी भी है काटनी है उनके साथ। हाँ काटनी है, हम बात तो करेंगे ना इनसे। हमारी बेटी है, तुम्हारी बेटी होती तो हाँ। तुम मुझे पढ़ाती, मेरे पैर पे मुझे खड़े होने देती, तब जाके शादी करती। ये नहीं कि जिसके अच्छा कर रहे हैं पैसे वाले हैं, ये है ये पैसे वाले हैं। हम कर लेंगे सब, रोज का उनका टॉर्चर। बात है ही नहीं, रोज का टॉर्चर, रोज दूसरे दिन का उनका एक ही काम है। सब कर लेंगे, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ। अब इसको पता नहीं क्या दिमाग है, मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद करने के तुल्य हो गई है ये सब के साथ। पता नहीं मैंने कितनी बार इनको बोला समझाने में। कौन सा बात कर रहा है तू? हाँ है, वकील से बात करो। वकील से बात करने से अरे कर दो मुझे बात, ये हो क्या जाएगा वकील से बात करने से? क्या है वकील से बात करूंगा मैं? करूंगा तो ये कोई जो भी जिंदगी बची है मतलब वो भी तुम नरक कर दो। फोन कर करके परेशान कर रखा है मुझे, तो वहीं रहना है ना। होगी मैं जैसी भी होगी मेरी जिंदगी, पर बात तो करी थी तुमने। इतनी बार मैंने बोला था, सब कर लेंगे, पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो भाई समझ में नहीं आ रही थी, आप बोलो बार बार। से बोल देंगे, ऐसे कह देंगे ना, हम करेंगे फोन। रोना तुम, नहीं रोना, बेटा, नहीं रोना। सब सही हो, सब सही हो।
कमीज के लीला करी है तो मार रहे जाते और दूसरे दिन का काम आज भी ना जाने समाज में कितनी महिलाओं को दहेज के लिए उनके ससुराल में इसी तरह प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको दहेज की आग में जलाया जाता है। क्या एक माँ बाप का यही फर्ज बनता है कि एक अमीर घर देखकर अपनी बेटी की शादी कर देना? नहीं, काश हर माँ बाप ने अपने बेटे की तरह अपनी बेटी को भी शिक्षित बनाया होता, आत्मनिर्भर बनाया होता, तो आज उसको दहेज की आग में जलना ना पड़ता, आत्महत्या ना करनी पड़ती। ये दहेज प्रथा नहीं है, कुप्रथा है, एक ऐसी प्रथा है जो अपनों को ही मौत की नींद सुला देती है। हम सबको मिलकर इस कुप्रथा को खत्म करना होगा, अपनी बहन बेटी को शिक्षित बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा, ताकि आत्महत्या और दहेज की आग में जलने से बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।